जो जर्सी नंबर 7 में नजर आ रही है झारखंड की ओर से, एक मौका लेकिन चूकता हुआ झारखंड एफसी काफी मजबूत। अभी भी बॉल अमीषा के पास, बॉल प्रेस साथी खिलाड़ी मन रहता हुआ क्योंकि बॉल है अमीषा के पास और सामने सामने एक शोर पर मैं बात करूं एक छोर पर एफसी झारखंड की टीम तो दूसरी छोर पर एफसी उड़ीसा का ये गर्ल्स टीम का फाइनल मुकाबला आज देखने को मिलेगा। बेहद खास ये पल और जिस सशक्तिकरण की बात हम करते हैं वह खूबी उसे हम निभाते भी हैं। ये हम नहीं, ये हमारी आदि। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित अतिथियों को। सर्वप्रथम इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है हमारे ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 पूजा लकड़ा। साथ हमारे उपस्थित है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन इंडियन नेशनल टीम के सदस्य जर्सी नंबर 14 रितु बड़ाइक, जर्सी नंबर 6 और सुषमा बड़ाइक कुछ रिजर्व प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में रखे गए। अश्रिता कार गड़िया जर्सी नंबर 9, सुमन खड़िया जर्सी नंबर 2, मेघा किशन और ये चल पड़ा है विसिल की आवाज और बॉल पोजीशन एफसी उड़ीसा के पास। आगे से हट जाइएगा, आगे से हट जाइएगा प्लीज। तो झारखंड एफसी के लिए कुछ ऐसी बॉल पोजीशन जर्सी नंबर 11 है जो जर्सी नंबर 7 में नजर आ रही है झारखंड की ओर से, एक मौका लेकिन चूकता हुआ झारखंड एफसी काफी मजबूत। अभी भी बॉल अमीषा के पास, बॉल प्रेस साथी खिलाड़ी को एक बेहतरीन रक्षा पट्टी का उपयोग से लिया गया शॉट। एक मौका बना था झारखंड की टीम अभी भी तलाशते हुए, गलत तरीके से हेडर से होगी फिनिश या बूट से बनाई जाएगी वो सफलता। हमारे दोनों फाइनलिस्ट टीम बॉयज के आप अपनी तैयारी रखेंगे बरकरार क्योंकि वक्त काफी है कम। आपसे निवेदन है कि आप दिए गए समय के अनुसार एक मौका यहां पे बनाया है आशा मुंडा का लेकिन मौका होगा लेकिन सफल झारखंड
ने रोक लिया है। अभी भी उड़ीसा के पास बॉल, खतरा मंडराता हुआ लेकिन रोका गया। अभी भी बॉल अपने पास नियंत्रण में रखते हुए एफसी उड़ीसा के पास बॉल, रोकने में कामयाब, रोका गया बॉल को रानी कुमारी के द्वारा। रानी कुमारी के लंबा पास, अभी भी बॉल है बरकरार क्योंकि बॉल के पीछे है हमेशा। बॉल को खतरा है लेकिन बॉल को रोकने में सफल। ओडिशा के पास मौका, कलावती ने बॉल को सफल हाथों से रोक। इन्होंने झारखंड राज्य के इनका जलवा बिखरा हुआ है उनका मंच पर स्वागत व अभिनंदन। धर्म प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित अनिल भगत जी, केंद्रीय सरना समिति के संगठन सचिव, उपस्थित राजेश तिर्की जी, हमारे अभिभावक। एक खतरा मंडराता हुआ क्योंकि बॉल है अमीषा के पास और जारी। एक इंडियन नेशनल टीम की खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 अमीषा के द्वारा ये गोल, और कर लिए इन्होंने प्राइज अपने नाम। कर एक मौका अभी भी बरकरार क्योंकि बॉल लेकर जाती हुई अनीता, अनीता के पास बॉल और दूसरी क्या शॉट ने की थोड़ी सी दिशा दिखाने में चूक और गोल की। और एक बेहतरीन मुकाबला, अभी भी मौका एफसी ओडिशा के पास, क्या करेंगे इसे कॉर्नर किक में तब्दील। बरकरार क्योंकि अटैकिंग मोड में नजर आती हुई एफसी झारखंड की वो धुरंधर। सुषमा का ये बेहतरीन के लिए बॉल को रोक लिया गया, बेहतरीन खेल का मुजाहरा अभी भी नजर आता हुआ। क्या ये होगा, लेकिन कालावती के सफल हाथों से बॉल को रोक लिया गया। बॉल जिशन एफसी ओडिशा के पास, और क्या कमाल करेगी। सुंदर सी हड्डी जो हमारे अभिभावक बनकर इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। उस गोल को वापसी करेंगे, उन्हें 2000 रुपए का पुरस्कार राजेश तिर्की की तरफ से दिया जाएगा। और ये मौका बनता हुआ जैसे ही, लेकिन कालावती सफल रोकी गई। 2000 का था इनाम जिसे कालावती। और अभी भी बॉल पोजीशन एफसी उड़ीसा के पास है, बॉल को रोक लिया गया, बेहतरीन स्किल देखने को मिलता हुआ। अनुभवी खिलाड़ी आशा, बिल्कुल युवा
उम्दा क्लियर आंसर बता दूं अगर थ्रू जोसना किशन जो इंडियन टीम के सदस्य रहे हैं जर्सी नंबर 15 एफसी ओडिशा की जोर से अपने पंचम लहरा देते हुए परमिला किशन उनका शॉट दे रही है अद्भुत रक्षा पंती आशा के पास बॉल आशा काफी तेज रफ्तार बॉल को लेकिन उतना ही बुंदा क्लियरेंस तरह से वेसेल बच चुका है और विजय हो चुकी है एफसी झारखंड में जबानी करते हुए नजर आ रहे थे दूसरे छोर पर एफसी ओडिशा के जबाज खिलाड़ियों का ये बेहतरीन प्रदर्शन जिसे देखने को आज हजारों की संख्या में हमारे बीच उपस्थित हैं तमाम दर्शक अभी भी बॉल हमेशा वाकला लेकिन रोके गए पास अभी भी बॉल है प्रकार झारखंड काफी पावर पर आई किक झारखंड